अगर फेसबुक पे आपको इस तरह से यू आर टेम्प्रेरी ब्लॉक्ड करके इस तरह से प्रॉब्लम शो हो रहा है, सो गाइस ये क्यों हो रहा है और आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। सो ये इसलिए होता है, शायद हो सकता है कि आपने अपने फेसबुक अकाउंट में जाने अनजाने फेसबुक किसी गाइडलाइन को जो है ब्रेक किया है, इसलिए आप फेसबुक ने आपके अकाउंट को टेम्प्रेरली ब्लॉक्ड कर दिया है। सो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है और फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने फेसबुक पर लॉन्ग प्रेस करना है और फिर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पर इस परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करना है और परमिशन वाले ऑप्शन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशन अलाउ कर रखा है। इस तरह से आपको भी अपने फेसबुक की सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है और वापस आना है। फिर वापस आने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस क्लियर कैश पर क्लिक करके अपने फेसबुक का कैश क्लियर कर लेना है और इतना करने के बाद आपको वापस आना है और वापस आने के बाद आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करके अपने फेसबुक को जो है फोर्स स्टॉप कर लेना है और इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक। और गाइस फेसबुक को सर्च करने के बाद आपको यहाँ देख लेना है कि आपके फेसबुक पर कोई अपडेट आया है। अगर आपके फेसबुक पर कोई अपडेट आया है तो आपको अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने फेसबुक को अपडेट नहीं करते जिसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। सो इतना करने के बाद आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। अब फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब गाइस आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। अब गाइस रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने फेसबुक को ओपन करना है, यहाँ पर 50% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल आईडी पर क्लिक करना है। प्रोफाइल आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपको गाइस यहाँ पर ये हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिपोर्ट अ प्रॉब्लम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस ओके पर क्लिक करना है। सो गाइस आपको इस तरह से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर डोंट इंक्लूड पर क्लिक करना है। इंक्लूड पर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे इस डेटा मोड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर डेटा मोड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो आपको YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। सो गाइस मैंने जो मैसेज आपको दिया है उसको जो है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से रिपोर्ट कर देना है। सो गाइस इतना करने के बाद फेसबुक आपकी प्रॉब्लम को 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सो इस तरह से आप अपने फेसबुक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।